खबर बाराबंकी से है, जहां एक बार फिर खाकी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जी हां, टिकैत नगर इलाके में स्कूल वैन के चालक को दो होमगार्डों ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरअसल बाबा नाम का ये स्कूल वैन चालक गलती से टिकैत नगर कस्बे में नो एंट्री में स्कूल वैन लेकर गया था। इस बात को लेकर वहां मौजूद होमगार्डों से उसकी कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों होमगार्डों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना की शिकायत पीड़ित ड्राइवर ने अधिकारियों से की है, लेकिन दोषी होमगार्ड पर अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला बल्लभगढ़ के पयाला गांव का है, जहां मामा की मौत पर शोक मनाने आए रिश्ते में दो भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जी हां, दोनों मृतक नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनका नाम सुमित और करण है। मृतक सुमित की उम्र 14 साल है और करण की उम्र 17 साल है। परिजनों ने बताया कि पास के मंदिर में बने तालाब में बच्चे नहाने गए थे, जहां उनकी डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पे हमारा जो नजदीक है प्याली में मंदिर तालाब के पास था, जी नहाने का जो वो बना रखा है, तो जी वहाँ पे नहाने आए थे बच्चे, तो हमें उतरने का भी थोड़ा वो है रहन सहन और नहाने के बावजूद। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां 9 मई से अपनी मांगों को लेकर अड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी है। दरअसल शहर में फैली गंदगी को साफ करवाने के लिए सरकार के आदेश के बाद बल्लभगढ़ बाजार की सफाई भारी पुलिस बल के साए में ठेके पर कुछ कर्मचारी लेकर कार्रवाई की गई है। विरोध के अनुसार हड़ताल कर्मचारी सफाई कर रहे कर्मचारियों को परेशान ना करें और उनके साथ झगड़ा ना करें, इसे देखते हुए मौके पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अमरदीप जैन और एसपी अमन यादव भी मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए आज मैं ज्वाइंट कमिश्नर साहब के साथ हम एरिया के अंदर क्या किस तरीके के प्रबंध चल रहे हैं और पुलिस सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए हम दोनों अभी आए। मार्केट के अंदर जो है जो हायर किए हुए एमसीएफ के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से सफाई चल रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हमारी साथ है, अभी तक बिल्कुल पीसफुल तरीके से सफाई कर रहे हैं। हमने एक व्यवस्था की है, हमने 50-60 आदमी थ्रू एजेंसी हायर किए हैं और उन्होंने सफाई शुरू कर दी है। ऑफिस में सफाई करते हुए हम पूरा मेन बाजार सफाई करेंगे और काम चालू हो गया, ठीक चल रहा है, तनाव कोई नहीं है। कुछ यूनिट के आदमी सुबह आए थे, उनको पहले समझा दिया है भाई तुम्हें जो करना है करो, डिस्टर्ब नहीं करोगे काम में, वो इस बात को फिलहाल मान गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मौजूदा प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण कानून लाने के बाद से लोगों में गौ पालन के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। जी हां, लोग अब गौ पालन में रुचि लेने लगे हैं। इसी के चलते रेवाड़ी के मोहल्ला कुतुबपुर में पिछले 40 सालों से गौ सेवा में लगे पूर्व सैनिक के घर एक गाय ने एक साथ जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। माना जाता है कि एक साथ दो बच्चियों को जन्म देना अपने आप में ही एक चमत्कार है, जो कि लाखों में एक होता है, और एक साथ दो बच्चों को जन्म देने के बाद पूरे परिवार में बेहद खुशी है। बच्चे से लेकर बड़े सभी इनकी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार के गौ संरक्षण कानून की भी तारीफ की और कहा कि सरकार ही नहीं बल्कि प्रशासन भी गायों की सेवा में लगा रहता है। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। प्रभात मार्केट पर रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार चालक ने बहुत बेरहमी से रोडवेज चालक को पीटा। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है, जहां प्रभात मार्केट पर रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार चालक ने बहुत बेरहमी से रोडवेज चालक को पीटा। इतने में ही बीच बचाव करने आए लोगों को देखकर कार चालक वहां से भाग निकला।